पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन ने काफी कम समय में अपनी गेंदबाजी से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को चौंका दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान सुपर लीग में भी मोहम्मद हसनैन अपनी गेंदबाजी से काफी सफल रहे हैं। पीएसएल 2020 में उनके नाम 9 मैचों में 15 विकेट दर्ज किए हैं। पीएसएल में हसनैन क्वेटा ग्लेडियर्स की टीम के 10 सदस्य हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो उनके नाम अब तक 5 वनडे और 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उनके नाम कुल 10 इंटरनेशनल विकेट दर्ज हैं। मोहम्मद हसनैन ने क्रिकेट पाकिस्तान को दिए अपने एक इंटरव्यू में पसंदीदा बल्लेबाजों के बारे में बात की है जिनका वो विकेट चटकाना चाहते हैं। हसनैन ने कहा कि एक दिन वो विराट कोहली और स्टीव स्मिथ को आउट करना चाहेंगे। वैसे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की जो रूट और न्यूजीलैंड कप्तान केन विलियमसन का विकेट भी हासिल करना उनका ड्रीम विकेटों में से एक है। हसनैन ने आगे कहा कि उनके पसंदीदा पाकिस्तान तेज गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि वकार यूनिस रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन का ट्विटर पर एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो विराट को आउट करने के बारे में बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में मोहम्मद हसनैन ने कहा कि हालांकि वो किसी एक बल्लेबाज को टारगेट करने के बारे में नहीं सोचते हैं बल्कि मैच में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटका सकूं उसके बारे में ही वो हमेशा सोचते रहते हैं। मोहम्मद हसनैन सबसे कम उम्र में हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। हसनैन ने 19 साल 183 दिन की उम्र में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले टी20 इंटरनेशनल में सबसे युवा खिलाड़ी जिनके नाम हैट्रिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज था वो अफगानिस्तान के राशिद खान थे जिन्होंने 20 साल 157 दिन की उम्र में हैट्रिक लिया था। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण सेमीफाइनल और फाइनल मैचों को स्थगित करने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ले लिया है। पहले सेमीफाइनल में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला पेशावर जालमी के साथ होना था तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच कराची किंग्स और लाहौर कल्दर्स के बीच खेला जाना था। इसके अलावा फाइनल मैच 18 मार्च को लाहौर में खेले जाने की तैयारी थी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पीएसएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी पहले ही अपने घर वापस लौट चुके हैं। नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से ज्योति की रिपोर्ट।